नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज 8 मई का द हिंदू का न्यूज एनालिसिस। आज द हिंदू में क्या क्या खास करके है वह देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इमैनुअल मैक्रन को, ये फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं। पूरा चलिए न्यूज़ देखते हैं। इन्होंने मैरी लिपेन को हराया है, जो कि राइटिस्ट मानी जाती थी। ये माना जाता था कि आजकल राइटिस्ट लोगों का बोलबाला है, हर जगह राइटिस्ट लोग जीत रहे हैं, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे राइटिस्ट मैरी लिपेन हारी और इमैनुअल मैक्रोन, ये सेंट्रिस्ट माने जाते हैं, ये जीते। इनकी एज अभी 39 है, 39 साल के हैं, फ्रांस के सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति हैं। इनको 65.5% वोट मिले थे और मैरी लिपेन को 34.5% वोट मिले हैं। बस हमारे लिए इतना ही काम का है, बाकी कुछ काम का नहीं है कि कैसे क्या हुआ, कितनी सीट पे कौन जीता। भारत का इलेक्शन तो है नहीं, फ्रांस का है। तो कौन राष्ट्रपति बना, CHSL MTS बैंकिंग के लिए ये क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति बना। और UPSC के लिए है कि वहाँ का राष्ट्रपति प्रोसेस की जो प्रणाली है वो कैसी है, वह UPSC के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ देखते हैं। 4 killed in apartment fire in Chennai। तो ये आग लगी चेन्नई में, उसमें 4 मरे हैं, जो कि भी आज, ये आज की खबर है, न्यूज़पेपरों नहीं छपा होगा। दिल्ली मिनिस्टर कपिल शर्मा ने केजरीवाल पे आरोप लगाया है, ये भी न्यूज़ है लेकिन काम की नहीं है। केरला यूथ हेडेड इन IS व्हाट्सएप ग्रुप। तो देखिए ये ऐड आ गया बीच में, केरला यूथ एडेड IS इन व्हाट्सएप ग्रुप। तो केरल के यूथ में रेडिकलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तो वो गंभीर चिंता का विषय है। एजेंसियां लगी हुई हैं, तो स्पेशल टीम लगी हुई है, उसमें कुछ हमारे काम का नहीं है। 2 CRPF मैन स्ट्रैम्बल टू डेथ बाय वाइल्ड एलिफेंट। जंगली हाथी ने 2 CRPF जवानों को मार दिया। तो इसके लिए CRPF जवानों को और कड़ी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि इसमें अपना बचाव कैसे करें। देखिए पता नहीं क्या खुल गया, ऑनलाइन में यह प्रॉब्लम रहती है कि वेबसाइट कभी भी कौन सा भी खुल जाता है। देखिए IPL की न्यूज़ है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं कुछ। हाँ, ये इन्होंने देखिए कहा है कि भारत में लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ी समस्या है। केंजी हिरामात्सु हैं, ये फ्रांस के, जापान के भारत में राजदूत हैं, कमिश्नर हैं, अम्बेसडर हैं, राजदूत हैं। इन्होंने कहा कि भारत में लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ी समस्या है, और भी इन्होंने बहुत सारी बातें कही है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत दौरा होने वाला है, इस संबंध में इनका ये एडिटोरियल यहाँ पे छपा, एडिटोरियल नहीं, इनका इंटरव्यू यहाँ पे छपा है द हिंदू में। जापान का भारत में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश है, जैसे कि आप देख सकते हैं DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश है, और भी टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जापान का बहुत निवेश है भारत में। और उन्होंने इस क्वेश्चन का जवाब क्या दिया, देखिए, विल देयर बी मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन IT प्रोफेशनल इन जापान। तो उन्होंने इसका जवाब पॉजिटिव में दिया है, यस और नो। तो कभी कोई जो फॉरेन ऑफिसर रहते हैं ये डायरेक्ट जवाब नहीं देते, कभी उनका जवाब पॉजिटिव नेगेटिव में होता है, तो पॉजिटिव में इन्होंने जवाब दिया है। यह क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया इम्पोर्टेंट कि H-1B वीज़ा को लेके अमेरिका में वही बवाल है, ऑस्ट्रेलिया में भी वही बवाल है। तो भारत की IT इंडस्ट्री वाले अब सफ़र कर रहे हैं, तो अब जाए तो कहाँ जाए, तो इसलिए ये मैंने क्वेश्चन उठाया। तो इन्होंने जापान पॉजिटिव है, ऑस्ट्रेलिया और US जैसा अभी तक नहीं कर रहा है, तो ये भारतीय IT वालों के लिए पॉजिटिव खबर है। बाकी इसमें ऐसा कुछ उन्होंने खास नहीं कहा है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे न्यूज़ कि दलित कंटिन्यूज टू फ्ले शब्बीरपुर। उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र में एक दलितों का भगाया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, ये हमारे काम की न्यूज़ नहीं है। देखिए वेयर एनर्जी इज वेटिंग टू बी टैप्ड, ये हमारे लिए काम की न्यूज़ है कि सोलर एनर्जी और बाकी सब एनर्जी इतनी बड़ी पैमाने में है कि वो उन अपने यूज़ के लिए मतलब तैयार बैठे हैं, इस तरह ये बात कही जा सकती है। और इसमें हाइड्रोजन एनर्जी की बात की गई है, ओशन एनर्जी की बात की गई है, कोल्ड फ्यूजन की बात की गई है, तो ये सब एनर्जी हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सेकंड पैरा में आप देख लीजिए क्या बोला गया है, कोल ऑन द अदर हैंड वाइल स्टिल बींग द डोमिनेंट प्लेयर। तो इस पूरे न्यूज़ में ये निकल गया था कि कोल डोमिनेंट प्लेयर है लेकिन बाकी सारी एनर्जी का यूज़ उनकी क्षमता के अनुसार नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने एक आंकड़े भी दिए हैं, फर्स्ट पैरा में थर्ड लाइन देखिए, टुडे दे अकाउंट ऑफ फॉर 7% ऑफ कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो ये बात इसमें देखिए हाइड्रोजन के बारे में बात किया गया है, तो इसमें बोला गया है कि सोलर एनर्जी विंड एनर्जी सीजनल होती है, सोलर एनर्जी डे टाइम के लिए होता है। तो कोल से हमको पूरी तरह हटने के लिए हमको दूसरी एनर्जी के बारे में सोचना चाहिए, जैसे हीलियम 3 के बारे में बात किया गया है जो कि मून पर पिता। देखिए लास्ट पैसेज में दिया गया है, सम लाइक हीलियम 3 फ्रॉम द मून आर ओनली द वेरी एज ऑफ साइंस, मतलब ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। और हाइड्रोजन के बारे में बात किया गया है, इसी तरह ओशियन के बारे में बात किया गया है, ओशियन 24/7 अवेलेबल है, ओशियन एनर्जी को हम ज़्यादा टाइम यूज़ करें तो वो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इसमें बाधा नहीं हो सकती। लेकिन नेचुरल कैलामिटीज़ के टाइम ओशियन एनर्जी, जैसे सुनामी आए तो उसके टाइम ओशियन एनर्जी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसी तरह कोल्ड फ्यूजन की बात की गई है, इसमें भी बहुत सारे अच्छी और बुरी बातें लिखी गई हैं, तो हमको हर एक के अंदर जाके नहीं देखने का है। एक हाइड्रोजन के बारे में एक बात किया गया कि फ्रांस की एक कंपनी है, वह भारत में हाइड्रोजन से, देखिए लास्ट पैसेज में है वहाँ पे कि उन्होंने एक एल्स्टॉम कंपनी है जो कि फ्यूल सेल बना रही है हाइड्रोजन से, जिससे कि ट्रेन चल सके हाइड्रोजन फ्यूल से, उसको बोलते हैं कॉर्डिया आइलैंड। तो और इसमें इस न्यूज़ में और कुछ खास नहीं, आगे देखते हैं। फॉरेजिंग काउस चोक ऑन प्लास्टिक एंडेंजरिंग लाइव्स, तो जो गाय जो ये प्लास्टिक की थैलियां खा लेती हैं वो उनकी इंटेस्टाइन में जाके प्रॉब्लम करता है, तो उस बारे में बात किया गया है कि हमको जो प्लास्टिक कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करना चाहिए। तो ये हमको उतनी पूरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आगे देखते हैं। दूरन ड्राइवर्स वेरियर्स, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्लटरन्स फार्मर ट्रैप्ड इन द कोबिया फिनामिना, तो ये कोबिया फिनामिना ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसका रेट गिर जाता है, इसको बोलते हैं कोबिया फिनामिना। जैसे कि इसमें दिया गया है कि कोलर कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, इस तरह से बहुत सारी फसलें नुकसान हुई हैं कि उनका प्रोडक्शन इतना हो गया कि उनका रेट अब नहीं मिल रहा है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि टोमेटो इन कर्नाटका में, रेड चिली आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, एंड तूर एंड ग्रेप्स महाराष्ट्र में, तूर दाल और अंगूर की खेती महाराष्ट्र में, इनको सही दाम नहीं मिल रहे हैं। तो हमको ये देखना है कि इसको कोवेफिना जो फिनोमिना की बात की गई है, ये बैंकिंग और एसएससी सीजल में ज़्यादा करके पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखने का है कि कोवेफिनोमिना न्यूज़ में आया था है क्या। तो बाकी सब उसी के बारे में बात किया गया है डिटेल में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बार्सिलोना प्रेशर डील, एडीबी, देखिए एडीबी ने उनके जो प्रेसिडेंट हैं नकाओ, अरुण जेटली से मुलाकात के दौरान उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली को
साउथ एशिया के हब के तौर पे तैयार करना चाहिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये वन लाइन क्वेश्चन में आंसर आ सकता है कि किस को एडीबी, किस शहर को एडीबी एक प्रमुख शहर के तौर पर तैयार करने की कोशिश कर रहा है। आंसर इज दिल्ली। आगे देखते हैं ये न्यूज़ से, ऐसे सब देखिए, ये सब हमारे काम की एकदम बिल्कुल बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हो गया है सब, अभी नेशनल में देखें, देखते हैं नेशनल में कुछ है। नेशनल में वही दलित, नहीं नेशनल में भी कुछ नहीं। जो नेशनल की खबरें हमने पहले पढ़ लिया है कि डिफेंस पे हाई की बात की गई, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लीनलीनेस अ मेजर टास्क इन नॉर्थ ईस्ट, मोदी। तो स्वच्छता की बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही है कि नॉर्थ ईस्ट में वो एक ज़्यादा बड़ा टारगेट है। और उड़ीसा में केंद्रीय, उड़ीसा में उन्होंने जो मंत्रिमंडल था, नवीन पटनायक जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसमें रिशफल किया, उसमें बदलाव किया है कि 12 नए मंत्रियों को उन्होंने शपथ दिलाई है। तो ये एक न्यूज़ बन सकती है कि किस राज्य में मंत्रिमंडल का रिशफल किया गया था। तो ऑप्शन में अगर बीच में एक दो और हो गए तो उनके नाम ही लिख लीजिएगा, लेकिन उड़ीसा में हुआ था। अभी ऐसे स्टेबल पावर, सब पावर टू बी रियलिटी, इस बारे में बात की गई है। और इसमें कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, नहीं है और ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। इंटरनेशनल में वही इमैनुअल मैक्रोन जीते हैं, उनकी बात की गई है। और 82 फ्रीड चिबुक गर्ल्स अराइव्स इन अबुजा। तो वहाँ पे जो नाइजीरिया में एक संगठन है, उसने वहाँ के कुछ लड़कियों को बंधक बना लिया था, तो 82 लड़कियों को छुड़ाया गया जो कि वहाँ की राजधानी अबुजा पहुँची हैं। तो उस बारे में है, तो हमारे लिए उतनी काम की नहीं है। तंजानिया में प्रोटेस्ट हुए, देखिए तंजानिया में 35 मरे, वेनेजुएला में प्रोटेस्ट हुए। तो वेनेजुएला का एक छपा है आर्टिकल, लेकिन हम उसको छोड़ दिए क्योंकि वो आर्टिकल आते रहेगा। अभी चालू है प्रोटेस्ट, तो हम उसको बाद में कर लेंगे, और वो हमारे काम का भी नहीं उतना, क्योंकि वो डायरेक्ट इंडिया से रिलेटेड नहीं है। आगे देखते हैं, आगे स्टेट्स में कुछ नहीं, बिजनेस में कवर कर लिया पहले ही। सिटीज़ में भी कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स में हमको काम का नहीं। एडिटोरियल का मैंने वीडियो बना के दे दिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। सोसाइटी, बुक्स, कहीं कुछ नहीं। आज मतलब ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। साइंस एंड टेक में भी सब कल की न्यूज़ हैं, तो शायद आगे कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ, आगे कोई न्यूज़ नहीं है। तो इसी के साथ आज का द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस ख़त्म होता है। मैंने न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस दोनों भी अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको देखिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट कर दीजिए। पसंद आता है इसको तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।